हरदोई के पिहानी कोतवाली पुलिस ने एक महापूर्व कोतवाली इलाके में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने ऑटो रिक्शा लूटने के बाद रिक्शा चालक की निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी के मुताबिक उसके पास पैसे नहीं थे और पैसों की तंगी के चलते उसने रिक्शा लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने लूटा हुआ रिक्शा व मोबाइल व आला कत्ल बाका भी बरामद कर लिया है और युवक को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि आरोपी युवक ने मृतक का रिक्शा बुक किया था और उसको अपने गांव लेकर जाकर ऑटो व उसका मोबाइल लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। बताया कि इसी बेजरहा गांव निवासी योगेंद्र यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसने रिक्शा चालक की हत्या के बाद रिक्शा लूट लिया और नंबर प्लेट सीटों के कवर बदलकर शहर में रिक्शा चला रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक ने बताया कि उसने लूट के इरादे से एक रिक्शा किराए पर ले गया था। आरोपी ने बताया कि उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और उसे पैसों की आवश्यकता थी और इसी के चलते उसने युवक की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने लूटा गया ऑटो रिक्शा मोबाइल और भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। साहब मेरे पास इतनी बड़ी मजबूरी थी उस दिन, साहब दिमाग नहीं मेरा काम किया, इसीलिए साहब वहाँ से हम लेकर गए और हमने मार दिया। क्या मजबूरी थी? परेशानी थी साहब, पैसों दामों की, साहब पैसों दामों की मजबूरी थी। दिनांक 28/12/2019 को अभी एक ई रिक्शा चालक की हत्या हुई थी, जिसको यहाँ से किराए पर ले जाया गया था और पियानी क्षेत्र में उसकी हत्या हुई थी। इस पूरे घटना का अनावरण हुआ है और एक अभियुक्त योगेंद्र उर्फ विक्की यादव पुत्र कुंवर पाल यादव, ये 22 वर्ष का लड़का है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। घटनाक्रम मूलतः इस तरह की है कि ये विक्की यादव जो है योगेंद्र ई रिक्शा चलाता था और बेरोजगार युवक था। उसने सोचा कि जो ई रिक्शा चलाने से 150 रुपये उसको मिलता था, 200-300 रुपये मालिक को देता था, इस उद्देश्य से ई रिक्शा को चालक को ले गया यहाँ से उस पर तखत लाद करके बहाने से, और वहाँ पर जा करके पियानी क्षेत्र में वो जब पेशाब करने उतरा तो उसको उसने बांके से उस पर हमला किया और उसका ई रिक्शा लूट लिया। ये मृतक का मोबाइल भी लेके चला गया था। अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्त का खून लगा जैकेट, मृतक का मोबाइल और मृतक का ई रिक्शा और आला कत्ल बरामद हुआ है, जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक कांस्टेबल के तिवारी ने ग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है, ज़मीनी हकीकत से पूरे घटना का अनावरण हुआ है और उसको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।